मगर पहले ये पोटैटो चिप्स। भला कोई पार्टी सुनहरे चिप्स से भरे बोल के बिना पूरी हो सकती है? इन्हें आप सैंडविच के साथ खा सकते हैं या फिर सिर्फ चिप्स भी खा सकते हैं। कनाडा का सबसे बड़ा और मशहूर ब्रांड है लेज। पेप्सिको फूड्स कनाडा बनाती है लेज पोटैटो चिप्स, जहां 5000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और ये कंपनी 50 से ज्यादा स्वाद के पोटैटो चिप्स बनाती है। लेज ब्रांड ने कनाडा के 60% बाजार पर कब्जा जमा रखा है और इसका असली स्वाद तो वही पारंपरिक स्वाद जो आता है आलू, तेल और नमक से। लेज कनाडा में कई जगहों पर चिप्स बनाती है और उनमें से ही एक है कैम्ब्रिज ऑन्टारियो। लेज अपने चिप्स के लिए खास तौर पर आलू की खेती करवाती है, काफी आलू मंगवाती है। पूरे देश के अंदर हम करीब 24 करोड़ किलो आलू से लेज पोटैटो चिप्स बनाते हैं। इतने आलू से तो 40 लाख लोग साल भर तक अपनी आलू की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। हमारे पास खास ट्रेलर हैं जिनमें एक बार में 30 टन आलू आ जाते हैं। आलूओं को उतारने का सबसे अच्छा और सबसे तेज तरीका है हाइड्रोलिक डंपर का इस्तेमाल करना, जो ट्रेलर को एक किनारे से उठा देता है जिससे दूसरे किनारे से आलू बाहर गिर जाते हैं। एक सौ 120 दिनों में तैयार होने वाले ये आलू यहाँ आने के बाद सबसे पहले धोए जाते हैं, फिर आगे का काम शुरू होता है। आलूओं को धोने के बाद उन्हें छीला जाता है। ये मशीन एक घंटे में 10 टन आलू छील देती है। वाकई कमाल की मशीन है। सुनहरे चिप्स के लिए छिलका पूरी तरह से साफ करना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। छिलके से या तो खाद बना लेते हैं या उन्हें मवेशियों को खिलाने के लिए भेज दिया जाता है। इन आलूओं से चिप्स बनाने से पहले हर आलू का माप लिया जाता है। हमारे लिए सही आकार के आलू वो हैं जो कम से कम 3.5 इंच के हों और उनका वजन 50 से 70 ग्राम हो। हमारे पास अलग अलग आकार के आलू आते हैं। आलू की भी आंखें होती हैं, पर वो इन लोगों की आंखों जितनी तेज नहीं होती। साल भर में क्वालिटी कंट्रोल वाले करीब 100 करोड़ आलूओं को अपनी नजरों के सामने से गुजरता देखते हैं। अगर ये सही नहीं लग रहा है, कचरे में फेंक दो। हरे आलू कोने की नजरों से नहीं बच सकते। छिलने और जांच होने के बाद ये आलू जाते हैं स्लाइसर की ओर, जहां उनसे गोल गोल स्लाइस काटे जाते हैं। पानी में धोने पर आलू से थोड़ा स्टार्च बाहर निकल जाता है, इससे चिप्स हल्के होते हैं और कुरकुरे भी। इससे निकले स्टार्च का भी इस्तेमाल किया जाता है। 40 लाख किलो स्टार्च दूसरे निर्माताओं के पास भेज दिया जाता है, जिससे वो कागज और ग्लू बनाते हैं। आलू के कटे हुए स्लाइस लगातार हमारे फ्रायर में जाते रहते हैं। वो फ्रायर के अंदर करीब 3 मिनट तक रहते हैं और वहाँ से बाहर आने पर वो बिल्कुल सही टेक्सचर में पक जाते हैं। इस फ्रायर में लगातार तेल आता रहता है और इसे एक कंप्यूटर चलाता है। अगर आपके पास इतने आला दर्जे का हाई टेक फ्रायर नहीं भी है, तब भी आप एक खास तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो कुछ भी तल रहे हो उसे धीरे धीरे कम मात्रा में डालें। इससे वो चिपकेंगे नहीं और अच्छे टेक्सचर में तल भी जाएंगे। मगर बात जब 1 घंटे में 2.5 टन चिप्स तलने की हो, तब लेज को सुनहरे चिप्स बनाने की हर तरकीब आती है। नहीं, ये कोई टैनिंग बेड नहीं है। जब ये चिप्स इस तेज रोशनी के बीच से गुजरते हैं, तब एक स्लो मोशन कैमरा इनके ऊपर कड़ी नजर रखता है। अगर चिप्स सही आकार, साइज या रंग का नहीं होता, तो हवा का एक तेज झोंका उसे बाहर निकाल देता है। इसके बाद ये आलू जाते हैं अपनी तीसरी मगर सबसे अहम सामग्री के लिए, नमक। चिप्स को हल्का नमकीन बनाया जाता है ताकि इसका स्वाद बना रहे। इन्होंने अपनी असली रेसिपी तो नहीं बताई, मगर सामग्री की क्वालिटी चिप्स की लोकप्रियता के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चिप्स साबुत कैसे रहते हैं, तो हम आपको ये बता दें कि यहाँ लगी मशीनों के बीच की दूरी बहुत कम है, जिससे ये चिप्स गिरते नहीं हैं और वाइब्रेट करते कन्वेयर इन्हें एक से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। ये चिप्स तैयार हैं। अब इनका वजन लेकर इन्हें बैगों में पैक किया जाएगा। आलू से चिप्स बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। इस प्लांट में हर साल लेज के 1 करोड़ बैग तैयार कर लिए जाते हैं।
हम यहाँ से हर साल लेस पोटैटो चिप्स के 7,600 ट्रक भेजते हैं। अब आप किसी पार्टी में, घर में या चलते फिरते भी इनका मजा ले सकते हैं। ये ताजे कुरकुरे और सुनहरे चिप्स सबको पसंद आते हैं। तो देर किस बात की, शुरू हो जाइए। आप भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए चिप्स की टारियो। लेज अपने चिप्स के लिए खास तौर पर आलू की खेती करवाती है, काफी आलू मंगवाती है। पूरे देश के अंदर हम करीब 24 करोड़ किलो आलू से लेज पोटैटो चिप्स बनाते हैं। इतने आलू से तो 40 लाख लोग साल भर तक अपनी आलू की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। हमारे पास खास ट्रेलर हैं जिनमें एक बार में 30 टन आलू आ जाते हैं। आलूओं को उतारने का सबसे अच्छा और सबसे तेज तरीका है हाइड्रोलिक डंपर का इस्तेमाल करना, जो ट्रेलर को एक किनारे से उठा देता है जिससे दूसरे किनारे से आलू बाहर गिर जाते हैं। एक 120 दिनों में तैयार होने वाले ये आलू यहाँ आने के बाद सबसे पहले धोए जाते हैं, फिर आगे का काम शुरू होता है। हमारे पास अलग अलग आकार के आलू आते हैं। आलू की भी आंखें होती हैं, पर वो इन लोगों की आंखों जितनी तेज नहीं होती। साल भर में क्वालिटी कंट्रोल वाले करीब 100 करोड़ आलूओं को अपनी नजरों के सामने से गुजरता देखते हैं। अगर ये सही नहीं लग रहा है, कचरे में फेंक दो। हरे आलू कौने की नजरों से नहीं बच सकते। छिलने और जांच होने के बाद ये आलू जाते हैं स्लाइसर की ओर, जहां उनसे गोल गोल स्लाइस काटे जाते हैं। पानी में धोने पर आलू से थोड़ा स्टार्च बाहर निकल जाता है, इससे चिप्स हल्के होते हैं और कुरकुरे भी। इससे निकले स्टार्च का भी इस्तेमाल किया जाता है। 40 लाख किलो स्टार्च दूसरे निर्माताओं के पास भेज दिया जाता है, जिससे वो कागज। मगर पहले ये पोटैटो चिप्स। भला कोई पार्टी सुनहरे चिप्स से भरे बोल के बिना पूरी हो सकती है? इन्हें आप सैंडविच के साथ खा सकते हैं या फिर सिर्फ चिप्स भी खा सकते हैं। कनाडा का सबसे बड़ा और मशहूर ब्रांड है लेज। पेप्सिको फूड्स कनाडा बनाती है लेज पोटैटो चिप्स, जहां 5,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और ये कंपनी 50 से ज्यादा स्वाद के पोटैटो चिप्स बनाती है। लेज ब्रांड ने कनाडा के 60% बाजार पर कब्जा जमा रखा है और इसका असली स्वाद तो वही पारंपरिक स्वाद जो आता है आलू, तेल और नमक से। लेज कनाडा में कई जगहों पर चिप्स बनाती है और उनमें से ही एक है कैम्ब्रिज। ऑन आलूओं को धोने के बाद उन्हें छीला जाता है। ये मशीन एक घंटे में 10 टन आलू छील देती है। वाकई कमाल की मशीन है। सुनहरे चिप्स के लिए छिलका पूरी तरह से साफ करना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। छिलके से या तो खाद बना लेते हैं या उन्हें मवेशियों को खिलाने के लिए भेज दिया जाता है। इन आलूओं से चिप्स बनाने से पहले हर आलू का माप लिया जाता है। हमारे लिए सही आकार के आलू वो हैं जो कम से कम 3.5 इंच के हों और उनका वजन 50 से 70 ग्राम हो। हम और ग्लू बनाते हैं। आलू के कटे हुए स्लाइस लगातार हमारे फ्रायर में जाते रहते हैं। वो फ्रायर के अंदर करीब 3 मिनट तक रहते हैं और वहाँ से बाहर आने पर वो बिल्कुल सही टेक्सचर में पक जाते हैं। इस फ्रायर में लगातार तेल आता रहता है और इसे एक कंप्यूटर चलाता है। अगर आपके पास इतने आला दर्जे का हाई टेक फ्रायर नहीं भी है, तब भी आप एक खास तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो कुछ भी तल रहे हो उसे धीरे धीरे कम मात्रा में डालें। इससे वो चिपकेंगे नहीं और अच्छे टेक्सचर में तल भी जाएंगे। मगर बात जब एक घंटे में 2.5 टन चिप्स तलने की हो, तब लेज को सुनहरे चिप्स बनाने की हर तरकीब आती है। नहीं, ये कोई टैनिंग बेड नहीं है। जब ये चिप्स इस तेज रोशनी के बीच